चलिए हट। हाँ नहीं लगाना मेरे हाथ नहीं लगाना। चलिए हट। हाँ नहीं लगाना मेरे हाथ नहीं लगाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां पर कई वर्षों के बाद जिले में सीएसडी कैंटीन की स्थापना की गई, जिसमें निरंतर पूर्व सैनिक और जिले के कई सैनिकों ने प्रयास किया। हाल ही में कैंटीन में होने वाली समस्याओं को उजागर करने से बौखलाए कैंटीन में पदस्थ अधिकारी ने अपने कमांडिंग अफसर का नाम लेते हुए धमकी दिया है। अधिकारी ने कहा कि आपको सामान देने से हमारे सीईओ ने मना किया है। वहीं जब इसकी शिकायत लेकर ईसीएचएस में पदस्थ कर्नल के पास गए, तो उन्होंने भी अपनी तानाशाही रवैये अपनाते हुए कहा कि आपको जो करना है कर लो, आपको सामान नहीं मिलेगा। आपको बता दें, यज्ञ प्रताप सिंह वही सेना के जवान हैं, जो लगातार सेना में हो रहे सेवादारी प्रथा के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और रिटायरमेंट होने के बाद जिले के अंदर सीएसडी कैंटीन की स्थापना कराने के लिए अपने संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ निरंतर प्रयास करते रहे हैं। कैंटीन की स्थापना होने के बाद जब यहां पर कुछ अनियमितता पाई गई, जिसमें लोगों को सही समय पर सामान न मिल पाना और संभाग लेवल की कैंटीन होने के बाद भी यहाँ पर दूर से आने वाले सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ता था, इन सबको उन्होंने समय समय पर उजागर किया है, जिससे पदस्थ अधिकारियों ने उनको खुद को अपने कैंटीन से सामान देने के लिए इनकार कर दिया, जिसकी वीडियो यज्ञ प्रताप ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी किस तरह से बौखलाए हुए हैं और एक पूर्व सैनिक को आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से सेना में किया जाता है। यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि वहीं पर खड़े कर्नल श्रीराज ने बुलाकर अपने ऑफिस में ले गए और कहा कि तेरे खिलाफ इतने पूर्व सैनिक खड़ा कर देंगे कि तुझे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। वहीं कर्नल श्रीराज सिंह ने कहा कि उसका नाम अपने डायरी में लिख लिया हूं और बहुत जल्द तेरा बंदोबस्त करवा देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है और क्या करना चाहते हैं। यज्ञ प्रताप सिंह ने कहा कि आने वाले समय में अगर उनके साथ कोई घटना घटित है, इसके जिम्मेदार कर्नल श्रीराज होंगे। उनका धमकी भरा संदेश कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उस समय उनकी ऑफिस में एक ब्रिगेडियर और एक अधिकारी बैठे हुए थे, जिनका नाम नहीं पता है। वो लोग भी उन्हीं की बातों को सपोर्ट कर रहे थे। आप भी देखिए उक्त वीडियो, जिसमें समझ जाएंगे कि जिन परिवारों के पुरुष देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके परिवार किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद कैंटीन से सामान प्राप्त कर रहे हैं और रिटायरमेंट होने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। मेरा कार्ड है, सामान नहीं देंगे। बताइए ना, नहीं तो जब मेरा नंबर था इन्होंने बोला आपको सामान नहीं दूंगा। आपने क्या बोला सर, बताइए। ऑर्डर मेरा सीओ का ऑर्डर है, आपको सामान तभी मिलेगा, पहले आप मेरे सीओ से मिलो, उसके बाद आपको। अच्छा, आपका मतलब आपके सीओ का आदेश है? हाँ जी। कौन से, क्या नाम है सीओ के आपके, कौन से रेजिमेंट से हैं आप बताइए। कौन? एसटीसी जबलपुर। जाइए जबलपुर। इससे पहले आप, मैं पूर्व सैनिक हूँ, मेरा ये कार्ड है, आप मुझे सामान नहीं देंगे, आपके सीओ का आदेश है ना? ठीक है ना, ओके, थैंक यू। आप बोलिए, क्या बोल रहे हो? आप बोलिए ना, क्या बोल रहे हो? चढ़ के देखोगे? चढ़ के आप, वो चढ़ रहा था उसमें, वो उसमें उस सूज क्या चढ़ रहा था? नहीं वो मैं नहीं चढ़ रहा हूँ, उसको दबा के चेक कर रहा था, खोल के चढ़ नहीं रहा था। वो आपका काम नहीं है, तो आप किस लिए उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? मतलब मैं पूर्व सैनिक को बोल नहीं सकता हूँ, मैं ऑन ड्यूटी, आप सर्विस मैन हो, तो आप कोई वो हो? सूटकेस वो ले रहा है, उसका आप भी लोगे? कैसे चेक करना है? वो क्या कह रहा था, वो चैन खोला था, उसमें आप उसको इतना वो कर रहे हो? मतलब पूर्व सैनिक को क्या लोग? आपको पता है वो क्या देखा? हाँ हमको पता है, यहाँ से आप हमको मत बताइए। चलो चलो, आराम से बात करना मुझसे, आराम से नहीं, आराम से। हाथापाई नहीं करना मुझसे, हाथापाई नहीं करना, हाथापाई नहीं करना मुझसे, हाथापाई नहीं करना। चलिए साहब के पास में मैं चल रहा हूँ, हाथापाई नहीं करना मेरे से, हाथापाई कर रहे हो तुम, आराम से बात करिए, आओ इधर, ठीक है? तुम्हारे नौकर नहीं हूँ मैं, तुम्हारे हम नौकर हैं। हम ना, चलिए हट। हाँ नहीं लगाना मेरे, हाथ नहीं लगाना, चलो इधर, आराम से चल, आराम से चल, नहीं तरीके से आप भी बात करना मेरे से। जिले की सी एच डी कैंटीन और पूर्व सैनिकों की समस्या को लेकर मतलब निरंतर मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ। कैंटीन की स्थापना को लेकर हो, चाहे पूर्व सैनिकों में कोई भी समस्या हो, उनकी आवाज़ उठाता रहा हूँ। रीवा जिले में सी एच डी कैंटीन की स्थापना को लेकर मैं दो बार मुख्यमंत्री से मिला, मेरी टीम एक बार रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की, सभी के सहयोग से कंटीन की स्थापना हुई। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे कहने करने से हुई या मेरे द्वारा लाई गई है। पूर्व सैनिकों का अधिकार था, सभी का पहल था, सरकार की नज़र में कहीं ना कहीं कानों में भनक लगी और उन्होंने ये कंटीन की स्थापना की। कंटीन के अंदर ये संभाग लेवल की बताते हैं कंटीन है, हालांकि मुझे लिखित में कुछ दिया नहीं है। और जिस तरह से कंटे यहाँ पे रीवा सतना सीधी और सिंगरौली तक के लोग यहाँ सामान लेने आते हैं, तो जो रीवा के रहने वाले पूर्व सैनिक आस पास के हैं, वो तो उनको तो मिल जाता है, क्योंकि वो 4 बजे भोर से आप देखिए कभी भी आइए या कंटीन के अंदर CCTV कैमरे लगे हैं, उस कैमरे में चेक किया जाए कि लोग 4-4:30 बजे से लेडीज और जेंट्स आके लाइन लगा लेते हैं। लाइन कंटीन काला में है कि 9:30 बजे ये कंटीन खोलते हैं, 1:30 बजे बंद कर देते हैं, फिर 3:30 बजे खोलेंगे, 5 बजे बंद कर देंगे। इसमें जो लिपकर का कोटा लेने वाले हैं उनको तो सामान मिल जाता है, लेकिन जो ग्रोसरी वाले हैं उनको 40-30-40 आदमी लेडीज और 30-40 आदमी जेंट्स को शुरुआती तौर पे मिल जाता है। इसके बाद जब धीरे धीरे भीड़ छकने लगती है तब थोड़ा बहुत जो सामान बचता है तो मिल जाता है। इसको लेकर मैंने आवाज़ उठाई थी और मेरी आवाज़ उठाने के बाद कंटीन के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, मैं क्या कहूँ ऐसा उनको किन शब्दों से संबोधित करूँ, उनको ये चीज़ बुरी लगी। और कल मैं जब सामान लेने कंटीन पहुंचा तो कंटीन का एक JCO है, उसके द्वारा मेरे को बोला गया कि मेरे CO ने आपको मना किया है कि मैं सामान आपको सामान न दिया जाता। हमने कहा भाई आपके CO ने मना किया है तो मुझे लिखित में कोई लेटर कॉपी कुछ वो दे दीजिए। जिसको वो देने से मना किया बोला आपको सामान नहीं देंगे, मेरे 1 सिग्नल रेजिमेंट सेंटर के CO ने मुझे सामान देने से मना कर दिया। मेरा कार्ड भारत सरकार ने इशू किया है और मेरी सारी सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। किसी कार्ड को बंद करना या चालू करना ये सरकार है, और मैं अपने वीडियो लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह से कंटीन संचालक ने मुझे साफ मना किया है। वहीं पर पदस्थ कर्नल हैं जो ECHS में हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, अपने ऑफिस में ले गए और उनके द्वारा जो इस तरह से बातें की गई वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने बोला कि तेरा नाम मैंने डायरी में लिख लिया है और बहुत जल्द तेरा बंदोबस्त करवा देंगे, हजारों पूर्व सैनिक तेरे खिलाफ़ खड़ा करके आंदोलन करवा देंगे, तेरी थू थू करवा देंगे और तेरे खिलाफ़ इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि तू भी याद करेगा, तू मुझे जानता नहीं है। इन शब्दों से उन्होंने संबोधित किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं पूर्व सैनिक हूँ और मेरा जो अधिकार है वो कोई हनन नहीं कर सकता है। ये बंद कर दिए हैं, सेना के और सारे चैनल हैं, कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें जाऊंगा। सोमवार को मैं राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष और CDS के नाम ज्ञापन सौंपूंगा जिला कलेक्टर को। और इसके बाद 1 सिग्नल रेजिमेंट सेंटर से मैं RTI के थ्रू जवाब मांगूंगा कि मुझे मेरे कार्ड को क्यों बैन किया गया है। और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं जिला कलेक्टर परिसर के सामने अपने परिवार के साथ अनिश्चितकालीन धरने में बैठ जाऊंगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। और जिस तरह से धमकियां दी गई हैं एक रिटायर कर्नल के द्वारा जो ECHS संचालक हैं, और उनका जो जिस तरह से रवैया रहा है तानाशाही, इससे मतलब एक साफ जाहिर होता है कि कंटीन में ठीक है कार्ड बंद कर दीजिए, हमने कोई गलत किया है मुझे लेटर दीजिए, उसका प्रोसीजर होता है उसी हिसाब से बंद कर दीजिए। तो कल किसी और को बोल देंगे कि हम मतलब ये कंटीन सरकारी है कि पूर्व सैनिकों का है, ये किसी के घर की नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हो गया तो तुम्हें सामान नहीं दूंगा। ये तो तानाशाही गुंडागर्दी रवैया है। और जो सेना में पहले से रहा है, सेना में पहले भी जो अधिकारी होते हैं वो जवानों का शोषण करते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, और वही अधिकारी सिविल में भी आके अपना जुगाड़ करके किसी संस्था में घुस जाते हैं और फिर जवानों का शोषण करते हैं। वही हाल यहाँ देखने को मिला है, इनका जो तानाशाही रवैया है तो यहाँ भी देखने को मिला है। मैं आप सबको आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए, कार्यशैली देख लीजिए और जिस तरह से इन्होंने किया है, अगर मेरे ऊपर कोई भी गलत कार्रवाई होती है तो ये साफ जिस तरह से उन्होंने धमकी दिया है तो साफ जो कर्नल है उसकी जिम्मेदारी होगी। जय हिंद, जय भारत।